सबसे जो मेन चीज़ है ना, जितने नंबर हम आपको बता रहे हैं इससे एक नंबर भी ज़्यादा नहीं होगा। तीन मरला है, उसके ऊपर 6 से 6.5 लाख रुपया ऑन चल रहा है। तो उसके मुताबिक ये है कि ये अभी लाहौर में ये पहला प्रोजेक्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोग्राम प्रॉपर्टी निज़ाम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान काशिफ हसन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड स्टेट एंड मार्केटिंग के डायरेक्टर मोहम्मद अनवर फरीद, अरसद रास्ते प्रॉपर्टी के शोबे से मुस्लिक हैं। बड़ा पॉजिटिव है अमेजन का प्रॉपर्टी सेक्टर में। उनकी खास बात है अपने क्लाइंट की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं जहाँ पर भी धोखा या फ्रॉड नहीं होता। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है जी? थैंक यू सर। आज जो शानदार इवेंट हुआ, क्या कहेंगे उस वाले से? अब माशाल्लाह लोगों का बड़ा गमे जफीर था। डीलर, इन्वेस्टर, सियासी समाजी शख्सियात ने यहाँ पे भरपूर कसीर तादाद में शिरकत की है। जी बिल्कुल, ये तो मेरे से ज़्यादा आप लोग मीडिया के लोगों ने उसको कवरेज दी होगी और आप लोगों ने देखा है कि बड़ा ज़बरदस्त फुटफॉल था और रश था। इवन हमारे बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो VIP एरिया तक पहुँच नहीं पाए, तो रश था बहुत ज़्यादा। स्पेशली जो मेन जो थे सिंगर्स, उनके टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रश था। और हमारे जो CEO हैं उन्होंने जो स्पीच भी दी है आपने सुनी होगी, तो उसके मुताबिक ये है कि ये अभी लाहौर में ये पहला प्रोजेक्ट है, इसके बाद फिर आगे शेखुपुरा और अब फैसलाबाद भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो इनिशियली लाहौर में जो प्रोजेक्ट है ये छोटा प्रोजेक्ट है, वो 50 एकड़ के ऊपर है, और शेखुपुरा में भी और इसी तरह से फिर फैसलाबाद में भी। सर, इसकी पेमेंट प्लान के बारे में बताएं कि कितने किनाल पे मुहित है, कितने मरले कटिंग है और उसका क्या पेमेंट प्लान क्या है इसका? जी यहाँ पे जो लाहौर है, लाहौर में अगर आप आते हैं तो लेट्स सपोज पर मरला जो रेट है वो 9 लाख रुपया मरला है, और इसी तरह से मतलब डिफरेंट है। इसमें 3 मरला है 5 मरला है 10 मरला है, 1 किनाल की कटिंग है, कमर्शियल है, इसमें कमर्शियल में बहुत अच्छा है इसमें रिटर्न है। इसी तरह से शेखुपुरा में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे 8 लाख रुपये मरला से लेके तो फिर नीचे प्राइस है। तो अब आगे फैसलाबाद पाइपलाइन में है, तो मैं अपने तमाम इन्वेस्टर्स को जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल आएँ और उसमें इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी इसमें इंशाल्लाह। सर, ऑफकोर्स इसका बड़ा एक अहम किरदार होता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, कोई भी सोसाइटी हो तो उनको क्या मैसेज देंगे और एज़ पर कंपेयर टू अनदर सोसाइटी, सोसाइटी में ऐसी क्या खास बात है? सर, सबसे जो मेन चीज़ है ना, जितने नंबर हम आपको बता रहे हैं इससे एक नंबर भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। जो एक जितने मैंने आपको लैंड बताई है उतनी ही लैंड है और उतनी ही फाइल्स मार्केट में हैं, और इसी वजह से उसके ऊपर ऑन चल रहा है। इस वक्त जो 3 मरला है उसके ऊपर 6 से 6.5 लाख रुपया ऑन चल रहा है, ठीक है। 3 मरला पे कमर्शियल में अगर आप चले जाएं तो 4 मरला कमर्शियल और 5 मरला कमर्शियल है, तो कोई 23-24 लाख रुपया ऑन 4 मरला पे चल रहा है। इसी तरह से 26-27 लाख रुपया ऑन जो है वो 5 मरला पे चल रहा है। तो ये आपके सामने है कि मार्केट की क्या स्ट्रेंथ है, और उसमें सबसे जो अहम रोल है वो मैनेजमेंट का है कि उन्होंने अब कंट्रोल्स जो हैं, मतलब एक भी फाइल उन्होंने एक्स्ट्रा जो है ना इशू नहीं की है। जितनी ज़मीन है उतनी ही फाइल्स मार्केट में है, इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ है। सर, यूनाइटेड स्टेट एंड मार्केटिंग का विजन और मिशन क्या? सर, हम लोग बिल्कुल इनके साथ जुड़े हैं, इस ग्रुप के साथ, और हमें उम्मीद नहीं, यकीन है इंशाल्लाह ये ग्रुप जो है, इनकी बैकग्राउंड इमरान हुसैन साहब जो हैं, इसके जो ओनर हैं आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वो और जो इसके कंट्री हेड हैं आसिम इफ्तिखार साहब, आप लोगों ने उनको इंटरव्यू अभी स्पीच भी आपने देखी, तो वो हम उनको देख रहे हैं कि उनको यकीन की हद तक, मतलब एक उनके अंदर हम लोग देखते हैं और उनको देख के हमें जो एनर्जी मिलती है, तो हम भी उनके साथ इसी वजह से लगे हैं। जी तो नाज़रीन, ये थे यूनाइटेड स्टेट एंड मार्केटिंग के डायरेक्टर मोहम्मद अनवर फरीद, उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। अगर आप डिस्ट्रिक्ट 1 में अपना फाइल लेना चाहते हैं या प्लाट लेना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो आप इनसे ज़रूर रब्ता करें। इनका प्रोफेशनल स्टाफ 24/7 आपके सर्विस के लिए हाजिर खिदमत है। इसी के साथ अपने मेज़बान काशिफ हसन को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। पता है अब्बा मुझे, हमारी इमिग्रेशन के लिए हमें देने को आपके पास कुछ भी नहीं। अब आपने घर क्यों भेज दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।